बात मुंबई की, जहां पर मॉनसून के बादल संकट बनकर बरस रहे हैं। आज मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए रेड अलर्ट भी जारी किया है। दो दिन की बारिश में वैसे ही मुंबई पानी पानी हो चुकी है, हाल काफी बेहाल है। मॉनसून की मूसलाधार बारिश अब मुंबई कर पर भारी पड़ रही है। ये तस्वीरें अंधेरी के सबवे की हैं, जहां बस पानी ही पानी नजर आ रहा है। 3 जुलाई को मुंबई में बादल ऐसे मेहरबान हुए कि सब कुछ पानी पानी हो गया। जिधर देखो उधर सड़कों पर बहता दरिया है, लेकिन आफत की ये बारिश अभी थमने वाली नहीं है। मौसम विभाग ने 4 जुलाई को मुंबई में रेड अलर्ट जारी किया है, मतलब भारी बारिश होने की पूरी संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक मुंबई के अलावा ठाणे, पालघर, रायगढ़ और कोंकण इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। मुंबई, रायगढ़ और रत्नागिरी को रेड अलर्ट जारी किया गया है और कुछ कुछ जगह पे एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल होने की संभावना बताई गई है। 4 तारीख को पालघर, मुंबई, ठाणे और रायगढ़ के जिलों में काफ़ी जगह पे भारी से भारी वर्षा होगी और कुछ जगह पे एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल होने की संभावना है। मुंबई के हिंद माता इलाके में भी भारी जल जमाव है, सड़कों और चौराहों पर कई फुट पानी जमा है, बाइक के पहिए पानी में डूबे हैं। लबालब भरी सड़क पर बाइक चलाना भारी भी पड़ सकता है। कई बार बीच सड़क पर पानी से भरे गड्ढे मुंबईकरों की जिंदगी पर भारी पड़ चुके हैं, लिहाजा सावधानी जरूरी है। ये तस्वीरें मुंबई के किंग सर्कल इलाके की हैं, जहां सड़क लबालब भरी है। शुक्रवार को हुई बारिश के बाद किंग सर्कल इलाके में कई फुट पानी जमा हो गया, इसका असर ट्रैफिक पर भी पड़ा। सायन इलाके में भी आसमान से बरसी आफत मुसीबत बनी हुई है। भारी बारिश के बाद पूरे इलाके में जल जमाव हो गया। 3 जुलाई को हुई झमाझम बारिश ने बीएमसी की तैयारियों की पोल खोल दी। आगे चुनौती और बड़ी है, क्योंकि मुंबई में मूसलाधार बारिश का दौर अभी थमने वाला नहीं है। पंकज उपाध्याय, मुंबई आज तक।